हेलो दोस्तों, मैं राहुल, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए इंटेक्स कंपनी का एलईडी टीवी लाए हुए हैं। ये 32 इंच का एलईडी टीवी है, तो हम इसे पावर लगाते हैं और आप सबको दिखाते हैं कि यहाँ पे कुछ भी इंडिकेट नहीं कर रहा है। ये मतलब एकदम डेड है, इसका कोई भी वर्क काम नहीं कर रहा है। इसका मॉडल आप देख सकते हैं, 80 CM का ये LED 3225 मॉडल का है। ये कैसे बनेगा, लास्ट वीडियो में आप जरूर बने रहे हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे साइड सभी स्क्रू लगा हुआ था, इसको सभी स्क्रू को मैंने ओपन कर लिया हूँ और इसके बाद साइड में लॉक भी इसका बना रहता है। तो आप अच्छे से इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये इसका पीछे का कवर आसानी से ये निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ का पीछे का कवर मैंने इसको ओपन कर लिया हूँ। और यहाँ पे स्पीकर का जैक लगा हुआ था, तो स्पीकर का मैंने जैक को निकाल लिया हूँ। तो इसके अंदर में ये मेन वायर भी लगा हुआ था, इसको भी हम एक साइड निकाल के बैक कवर रख देते हैं। तो आइए आप यहाँ इसका सप्लाई देख सकते हैं, ये कम्बो सप्लाई है। इसमें आपका AC और इसके बाद मदरबोर्ड भी, इसमें सप्लाई और मदरबोर्ड दोनों एक ही में रहता है, इस वजह से इसको कम्बो सप्लाई बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इसका शॉर्टिंग चेक करना है। तो यहाँ पे जो 3 लेग्स का ये मॉस्फेट लगा हुआ है, इसको हम शॉर्टिंग देख रहे हैं, तो ये इसका शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। मतलब यहाँ पे एक साइड बता रहा है और दूसरे साइड नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे डायोड जो लगा हुआ है उसको भी चेक किया, तो यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। और इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा 6 पिन का ये IC लगा हुआ है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो नेगेटिव जो है आप किसी भी अर्थ ले सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे 6 लेफ्ट में मैंने इसको चेक किया, तो यहाँ पे कहीं भी शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। और ये एक पिन इसमें जो नीचे की तरफ 3rd पिन रहता है, उसमें आपका ये शॉर्टिंग बताएगा कि वो माइनस पॉइंट है, इस वजह से वो बड़ी अर्थ में बताएगा। तो यहाँ पे हम चेक किए तो ये आउटसाइड में जो है कहीं भी शॉर्टिंग नज़र नहीं आया है। इसको हम अलग से इसका सप्लाई लगाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक मॉस्फेट लगा हुआ था, इसको मैंने मॉस्फेट को निकाल लिया हूँ। और यहाँ पे ऑप्टो कपलर भी इसको हम निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं 817 नंबर ये ऑप्टो कपलर लगा रहता है, इसको हम निकाल लिए। ये सप्लाई यहाँ पे देख सकते हैं एक वोल्ट तक बनाता है। तो यहाँ पे हम ऑप्टो कपलर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक साइड 1st पिन में ये डॉट बना रहता है। तो यहाँ पे मैंने इसका येलो वायर को मैंने जोड़ा हूँ। इसके बाद यहाँ पे भी हम मेन सप्लाई में इसको देखते हैं, तो आपको यहाँ दिखेगा एक डॉट पॉइंट बना हुआ है, इसको भी मैंने येलो कलर का जो वायर लगा हुआ था इसको हम उसमें सोल्ड करते हैं। और मेन सप्लाई इसका देख सकते हैं, जहाँ पे इसको मैंने मॉस्फेट को निकाला था आपको दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं जहाँ ये पीछे की तरफ पूरा सोल्ड रहता है, इसको हमें रेड कलर का इसमें वायर लगाना है। और कैपेसिटर का जो माइनस पॉइंट बना रहता है, इसको हम ब्लैक वायर को लगाते हैं। यहाँ पे सिर्फ 4 ही वायर को इसको जोड़ना है। तो यहाँ मैंने 4 वायर को जोड़ दिया हूँ। अब आइए इसको हम आप सबके सामने इसको सप्लाई देकर चेक करते हैं कि ये मेरा वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने इसका पावर सप्लाई लगा दिया हूँ। अब आइए इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम
सबसे पहले 12 वोल्ट को हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे इसका 12 वोल्ट का सप्लाई अच्छे से आ रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं 32.5 वोल्ट भी आ रहा है और इसका एलसीडी का जो डिस्प्ले रहता है, सॉरी एलईडी का जो डिस्प्ले लगा रहा है, इसमें भी 12 वोल्ट का ये सप्लाई ऑन था। तो ये मेरा आउटपुट सप्लाई सब सही है। तो आइए हम इसका कनेक्शन करके एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं से ये मेरा वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसका बैक लाइट का वायर लगा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे हम डिस्प्ले का जैक लगा दिया हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं एक सेंसर का वायर रहता है और दूसरे साइड ये टच स्विच का जो साइड में बटन रहता है उसके लिए ये वायर लगा हुआ था। और इसको हम एक जगह थोड़ा सा इसको फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के बाद इसको हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि ये मेरा वर्क सही कर रहा है कि नहीं, कहीं से वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसका फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने इसका हर जगह का जैक लगा दिया हूँ। अब आइए पावर देकर देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने पावर दिया कि देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर का एलईडी बल्ब चालू हो गया है और इसके बाद टीवी भी ये ऑन हो चुका है। तो देख सकते हैं ये अच्छे से वर्क कर रहा है, मतलब इसका जो सप्लाई उप्लाई है सब अच्छे से बन रहे हैं। तो अब एक बार हम इसे पैक करने के बाद आप सबके सामने चेक करते हैं। यहाँ पे रेड एलईडी चालू हो गया है, इसके बाद ये ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाता है। आप देख सकते हैं इंटेक्स का एलईडी टीवी भी, तो यहाँ पे मैंने इसका कुछ भी नहीं लगाया हूँ नो सिग्नल का। नो सिग्नल लिखा हुआ है। अब आइए इसे हम एक बार आप सबके सामने इसका फिगर लगा के देखते हैं। आप सबको ये मेरा वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप सब घर बैठे आसानी से सप्लाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पावर प्लग में इसको लगाते हैं तो हम देख सकते हैं रेड एलईडी चालू हो गया है और ये मेरा टीवी भी ऑन हो चुका है।